सर्वकालीन रेकर्ड भांगा सुना दर 63,000 टपिला 22 क्यारेट सुनार दाम 24 क्यारेट सुना दाम रही 67,320 टंका। दिनक 22 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम को 1300 टंका वृद्धि पाई। 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम को 1420 टंका वृद्धि पाई। 18 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम को 1060 टंका बढ़ी। गतकाल 22 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम को 61,700 टंका थिबा बेले आज यह 63,000 टंका रे पहुंची। 24 क्यारेट सुनार मूल्य गतकाल 10 ग्राम प्रति 67,310 टंका थिला आज यह 68,730 टंका रे पहुंची। 18 क्यारेट सुनार दर गतकाल 10 ग्राम प्रति 50,480 टंका थिबा बेले आज 51,540 टंका रही। भुवनेश्वर 22 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 63,000 टंका रही बेले 24 क्यारेट सुनार दाम 68,700 और 18 क्यारेट सुनार दाम 51,540 टंका रही। चेन्नई में आज 22 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 63,900 टंका रही बेले मुंबई में 63,000, दिल्ली में 63,150, कोलकाता में 63,000, बेंगलुरु में 63,000 और हैदराबाद में 63,000 टंका रही। सेभली चेन्नई में 24 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम को 69,170 टंका थिबा बेले मुंबई में 68,730 और दिल्ली में 68,880 टंका, कोलकाता में 68,730 और बेंगलुरु में 68,730 टंका रही। युवक आसिबो स्वतंत्र बजेट, नुआ सरकार एने पदक्षेप ने। विजु युव जनता दल पक्ष संपर्क में सूचना दी जाए। 2024 साधारण निर्वाचन को नहीं विजु युव जनता दल पक्ष संघ भवन में प्रस्तुति बैठक आयोजित हो। एथिरे राज्यस्तरीय कार्यकर्ता समेत समस्त जिलार सभापति जोग देते। 5T अध्यक्ष बीके पांड्यान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जोग देते। नुआ ओ माध्यम से युवक मानक प्रतिभा सामना को आसी। स्वयं योजन 1,00,000 पर्यंत बिना सुधरे ऋण दि जाऊँ। 98% छात्र छात्री को नुआ और छात्रवृत्ति माध्यम से छात्रों पर 9,000 और छात्रों पर 10,000 टंका प्रदान करा। महिला कांग्रेस सभानेत्री मीनाक्षी बाहिनीपति सांबादिक सम्मिलन जोने नारी निर्यातना मामलें अभियुक्त से बीजेपी बीजेडी टिकट देउछंती बोली अभियोग करिछि महिला कांग्रेस। कांग्रेस सरकार आसिले एसएचजी महिला ऋण छाड़ कर। गृहलक्ष्मी योजन परिवार रो मुख्य महिला मासिक 2,000 टंका प्रदान करा जिवो। से भली 500 टंकारे मिलिबो गैस सिलिंडर। विधवा एवं बार्धक्य भत्ता 2,000 टंका दिया जिवो। राज्य में उपरमुहा पारद। आसंता 5 दिन पर्यंत ताती मिलिबोनी निस्तार। असह्य खरारे आउटू पाउटू राज्य। आसंता 5 दिन पर्यंत एभली स्थिति लागी रहिबो। दिनर तापमात्रा 3-4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइपारे। किसी स्थान में 40 डिग्री टपिज पारद। विशेषकर उपकूल ओडिशा रे ताती सहित असह्य गुड़गुड़ अनुभूत हो। दिन 10:00 अपराह्न 3 को पिक आवर घोषणा कर। समय वयस्क और शिशु को सीधासख खरा संस्पर्श न आसवाई परामर्श दे आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र। आज दिन 2:30 सुधा झारसुगुड़े सर्वाधिक 39.1 डिग्री सेलसीयस तापमात्रा रेकर्ड। से भी चांदवाली में 38.4 डिग्री, राउरकेल में 37.6 डिग्री, संबलपुर में 37.5 डिग्री, भुवनेश्वर में 37.4, केन्दुझर में 37.4, हीराकुद में 37.4, बालेश्वर में 35, पुरी में 33, पारादीप में 32.3 और गोपालपुर में 31.5 डिग्री सर्वोच्च तापमात्रा रेकर्ड। संबलपुर में बीजेडी लोकसभा प्रार्थी प्रणव प्रकाश दास मां समले को दर्शन करने सहित आशीर्वाद नहीं। प्रणव संबलपुर लड़ा सुजोग मिली कृतज्ञता जनभली बीजेडी सुप्रिमो नवीन पटनायक जनई कृतज्ञता। प्रणव कहते विकसित ओडिशा गठन आमर स्वप्न। संबलपुर मो घर बापा एठ पाठ पढ़ी। राज्य देख संबलपुर में बिग फाइट। बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास को बीजेडी संबलपुर लोकसभा प्रार्थी करता बेले बीजेपी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को मैदान को ओह्लाई। काली छाड़िले हाथ आज धरले शंख। बीजेडी में जोगदे टिटलागड़ टाणुआ नेता सुरेंद्र सिंह भोई। आज शंख भवन में आयोजित बीजेडी मिश्रण पर्व में सुरेंद्र सिंह भोई बीजेडी में विधिवद्ध भाव में जोग देते। दलियों उत्तरीय बीजेडी पक्ष स्वागत कर। सुरेंद्र भोई समेत 12 जन सरपंच, 13 जन समिति सभ्य और बहु समर्थक आज बीजेडी में सामिल होते। यह योगदान समय राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र, मंत्री टुकुनी साहू, विधायक अधिराज मोहन पाणिग्राही, बीजेडी मुखपात्र प्रियव्रत माझी प्रमुख उपस्थित रही। अवसर में सुरेंद्र सिंह कहते मुख्यमंत्री भावमूर्ति और विकासधारा अनुप्राणित हो से विजु जनता दल में जोगद। कांग्रेस पूर्वतन विधायक तथा मंत्री होती सुरेंद्र सिंह भोई। शेष थर पर 2009 टिटलागड़े कांग्रेस टिकट विधायक भाव निर्वाचित होते।
परे 2014 एवं 2019 लगातार दुई थर से टुकुनी साहू ठार परास्त होते। बीजेपी छाड़िले प्रकाश बेहरा दलर प्राथमिक सदस्यता पदर इस्तफा देते प्रकाश। एने से राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल को निकट को निजर इस्तफा पत्र पठाई देते। इस्तफा पत्र में कौन असंतोष जाहिर करना केवल दलर इस्तफा देखा नहीं दर्शाई। कटक जिला बीजेपी सभापति थे प्रकाश बेहरा दलर इस्तफा पर प्रकाश बेहरा विजु जनता दल में मिशा नहीं चर्चा होती। कहुची बीजेडी सालेपुर विधानसभा आसन प्रार्थी हो पारती प्रकाश विराट राली में सालेपुर निज समर्थकों सहित भुवनेश्वर शंख भवन को जा मिशा नहीं चर्चा होती। शंख भवन में प्रकाश पहुंची बीजेडी में सामिल होगा नहीं सालेपुर अंचल में आलोचना होती। सालेपुर आसन 2014 प्रकाश कांग्रेस टिकट में विधायक निर्वाचित होते पर 2019 किंतु से बीजेपी टिकट में निर्वाचन लड़ी परास्त होते। गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही बीजेपी ब्रह्मपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर टिकट पाया प्रथम थर पर निज निर्वाचन मंडली को जाते। गोपालपुर निर्वाचन मंडली गोलंथला रही बीजेपी पूर्वतन जिला सभापति वंदे मातरम कार्यालय में पहुंची। कार्यालय में पहुंचा पर प्रदीप को गोपालपुर निर्वाचन मंडली बीजेपी नेता और कर्मी भव्य स्वागत संबर्धना देते। यहां आरंभ होता कर्मी सम्मिलनी एक कर्मी सम्मिलनी में पूर्वतन जिला सभापति विभूति जेना अध्यक्षता करते। आसंता निर्वाचन में बीजेपी गोपालपुर निर्वाचन मंडली में भल प्रदर्शन करें प्रदीप बीजेपी नेता और कर्मी गुरुमंत्र दिन राति एक कर तृणमूल स्तर को जा समस्त कर्मी को जीवाई आह्वान देते प्रदीप। बीजेडी विकल्प होती बीजेपी बीजेपी प्रति लोकों निज आड़ू इच्छा बढ़ाइले तेणु कर्मी जदि एकत्रित हो कम करेंगे तेज गंजाम जिले में बीजेपी बृहत विजय सुनिश्चित बोली कर्मी कही प्रदीप। बीजेडी इज नो मोर बोली गोपालपुर विधायक। गोपालपुर निर्वाचन मंडली में 60,000 अधिक भोट व्यवधान में बीजेपी विजय लाभ कर गोपालपुर प्रदीप को सबुठ अधिक भोट मिली पूर्वतन जिला सभापति विभूति जेना। जगत सिंहपुर जिला बालिकुदा एरसमा निर्वाचन मंडली बालिकुदा ठारे नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर एक समावेश अनुषित होती। आसंता 2024 साधारण निर्वाचन में ओडिशार 147 आसन में विधायक प्रार्थी देव नवनिर्माण कृषक संगठन। ओडिशा रे चासी सरकार करिवो बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंती नवनिर्माण कृषक संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय कुमार। तेरे समावेश में बहु संख्या रे चासी तथा नवनिर्माण कृषक संगठन शताधिक नेता और कर्मी सामिल होते। कटक लोकसभा और यार अंतर्गत चारिटी विधानसभा एसयू सीआई कम्युनिस्ट पार्टी प्रार्थी घोषणा होती। कटक लोकसभा राजकिशोर मल्लिक को प्रार्थी कर दल। सेभली बारवाटी कटक विधानसभा अक्षय राउल चौदार कटक खगेश्वर सेठी कटक सदर परमानंद सेठी और बांकी मालविकास सामल दल प्रार्थी होते। शिक्षा स्वास्थ्य दरदाम वृद्धि मिथ्या प्रतिश्रुति और राजनैतिक भ्रष्टाचार को प्रसंग कर दल और प्रार्थी लोकों पाखे पहुंचे एसयू सीआई पक्ष एसएचजी महिला विदेश बुलाइवा अभियोगे सीईओ द्वारस्थ है बीजेपी। निर्वाचन आदर्श आचरण विधि लगुवा बेले केमी एसएचजी मानू सरकारी टंकर दुबई को एक्सपोजर भिजिट्रे पठागला प्रश्न करजेपी। मुख्य निर्वाचन कमिशन को भेटी अभियोग कर दल गत मार्च 23 तारीख में एसएचजी महिला दुबई पठाई राज्य सरकार। स्वयं सहायक महिला निर्वाचन समय बीजेपी काम करने सरकार प्रलोभन देखा अभियोग करजेपी। फोटो प्रमाण सहित सीओ को भेटी अभियोग करिसेंती बीजेपी प्रतिनिधि दल। से भली आउ दुईट अभियोग नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकट में फेरार होती बीजेपी। पुरुणा प्रकल्प में रंगमारी टंका हड़प घटन लोकायुक्तों छाट तुरंत दुर्नीतिग्रस्त कर्मचारी विरोध में कार्यानुषान ना सहित आत्मसात होता टंका असूल करने जिला मुख्य उन्नयन अधिकारी निर्देश देते लोकायुक्त। अभियोग अनुसार 2011-12 सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर ब्लक जटेसिंघा पंचायत डुंगुरी निकटस्थ गोधनेश्वर ब्लक पक्षर एक चेक डैम निर्माण होता तेज से चेक डैम उपर रंगमारी 2023-24 प्राय 8 लाख टंका व्यय चेक डैम निर्माण दर्शाई। ए बाबद 182,000 टंका उठाई नहीं ठिकादार। एने बारंबार अभियोग सत्वे कौन कार्यानुषान नहीं ना जिला प्रशासन तेज लोकायुक्तों द्वारा मिलता सूचना अनुसार दुर्नीति होता कथ स्वीकार करने सहित कार्यानुषान जिला मुख्य उन्नयन अधिकारी। खोर्धा जिला जटणी पुलिस पंझारे बड़ डकायती गैंग एक बड़ धरणर लुट पर योजना करुवा बेले मारि बसी कमिश्नरेट पुलिस लंका गुंड परे डकायतों हाथ में बोमा बोमा पकाई लुट तराज करने उद्यम करने जा गोड़े गोड़े पांच जन को धरी पुलिस गिरफ डकायतों निकटू पांचट अफुटा बोमा एक स्कॉर्पियो कार तीन बाइक सहित खंडा और भुजाली जबत कर
এই ডকায়তমানক টার্গেটে থিলা দামি কার, বড় জুয়েলারি শপ এবং বড় বড় ব্যবসায়ী। স্থানীয় বেনাপঞ্জরি পানি ট্যাঙ্কি নিকট এক অন্ধারিয়া স্থানরে ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করুথিবা বেলে সাদা পোশাক এবং বিনা পুলিশ গাড়িরে পৌঁছি এমানক ধরিথিলা জটনী পুলিশ। নির্বাচন মহলরে বি সমাজ সেবার ওহরি না বিজেডি রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক রুদ্র নারায়ণ সামন্তরায়। ভুবনেশ্বর মধ্যে টিকট আসাই রুদ্র সামন্তরায় সমাজ সেবা কাম জারি রাখিছেন। ক্যাপিটাল হসপিটাল সমেত রাজধানীর বিভিন্ন হসপিটালে রক্ত অভাব নিয়ে শুনবা পাইলে রুদ্র। এইভাবে স্থিতিতে নিজের সামাজিক অনুষ্ঠান জয় ওড়িশা পক্ষ ভুবনেশ্বর ক্যাপিটাল হসপিটালে ব্লড ব্যাঙ্কে রক্তদান শিবির আয়োজন করা সে নিষ্পতি নিয়েছিল। আউ 27 তারিখর 31 তারিখ পর্যন্ত ক্যাপিটাল হসপিটালে রক্তদান শিবিরর আয়োজন করা যাইছি। এই শিবিরে রুদ্রঙ্ক সমর্থকঙ্ক সহিত অনেক স্বেচ্ছাসেবী এবং বিভিন্ন বর্গর লোকে মধ্য রক্তদান করছেন। জয় ওড়িশা এবং ক্যাপিটাল হসপিটালর মিলিত উদ্যমে এই রক্তদান শিবির চালিছে। এপর্যন্ত 50 ইউনিট অধিক রক্ত সংগৃহীত হয়ে সারা। তবে নির্বাচন সময় রুদ্রঙ্ক এই সমাজসেবা মনোভাবক সবুড় প্রশংসা করা যাচ্ছে। কেন্দুঝর আরাধ্য দেবতা প্রভু শ্রী বড়দেবজী মন্দির হুন্ডিরু চোরি। মধ্যরাত্রিরে হুন্ডি তাড়ি হুন্ডিরে থিবা টঙ্কা এবং অন্য দান সামগ্রী নিয়ে যাইছন্তি দুর্বৃত্ত। মন্দির প্রবেশদ্বার নিকটরে থিবা হুন্ডি তাড়ি টঙ্কা নিয়ে যাইথিবা বেলে পুরুনা টঙ্কা এবং খুচুরা পয়সা সবু ভেঙ্গি দেইছন্তি দুর্বৃত্ত। গত রথযাত্রা পরঠারু হুন্ডি খোলা যাই নথিবা বেলে এথিরে লক্ষাধিক টঙ্কা থিবা অনুমান করা যাচ্ছে। অন্য পক্ষে হুন্ডি নিকটরে সিসিটিভি লাগিথিবা বেলে এহা কার্য করুনথিবা জানা পড়িছে। ধামনগর ব্লক করদা পঞ্চায়েতর সরপঞ্চ মমতা আচার্যঙ্কু অযোগ্য ঘোষণা কলে ধামনগর দেওয়ানী আদালত। তাঙ্ক নির্বাচনকু মধ্য অসিদ্ধ ঘোষণা করেছেন দেওয়ানী আদালতর জজ নীলিমা ষড়ঙ্গী। এয়া সহিত করদা পঞ্চায়েতরে তুরন্ত সরপঞ্চ পদবীর নির্বাচন করা লাগি পদক্ষেপ নেওয়া পাই কুয়া যাইছি। ভদ্রক জিলাপাল এবং জিলা নির্বাচন অধিকারী এবং ধামনগর বিডিওঙ্কু নির্দেশ দেইছন্তি আদালত। সরপঞ্চ মমতা আচার্যঙ্কর দুইরু অধিক সন্তান থিবারু তাঙ্ক প্রার্থিত্বকু নেই প্রতিপক্ষ তথা 2022 পঞ্চায়েত নির্বাচনরে করদার পরাজিত প্রার্থিনী বিনোদিনী পোথাল আপত্তি উঠাইছে। সেতবে কিন্তু ধামনগর বিডিও এখন গ্রহণ করে নথিলে। রাজনৈতিক প্রভাব যোগ এথিরু রক্ষা পাই মমতা নির্বাচন লড়িলে এবং বিজয়ী হয়েছিল। এরপরে বিনোদিনী ধামনগর আদালতের নির্বাচনী মামলা দায়ের করেছিল। শুনানি বেড়ে আবশ্যকীয় কাগজপত্র দাখল করেছিল। উপযুক্ত প্রমাণক অনুধান করে ওড়িশা গ্রাম পঞ্চায়েত আইন 1964 ধারা 49 দিয়া যাইথিবা ক্ষমতা বলরে ধামনগর দেওয়ানী আদালত সরপঞ্চ পদরু অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। এর সহ 2022 পঞ্চায়েত নির্বাচনকু অসিদ্ধ ঘোষণা করেছেন কোর্ট। হাজত মৃত্যুকু বিরোধ করে কেন্দুঝর এসপিঙ্কু ভেটিলা রাজ্য বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। জোড়া থানায় হাজত মৃত্যু ঘটনার তদন্ত করে দোষীঙ্ক বিরোধে দণ্ডবিধান সহ মৃতকঙ্ক পরিবারকু 1 কোটি টঙ্কার ক্ষতিপূরণ দেওয়া পাই কুয়া যাইছে। রাজ্য বিজেপির বরিষ্ঠ কার্যকর্তা সত্যব্রত পণ্ডা এবং চম্পুয়ার পূর্বতন বিধায়ক প্রার্থী মুরলী মনোহর শর্মা এনে দাবি করেছেন। 25 তারিখে জোড়া থানা বিরিকড়া গাঁর দীনেশ নায়কঙ্কু কোনসি কারণরু পুলিশ অটক রাখিথিবা বেলে দীনেশকর হাজতরে মৃত্যু হয়েছিল। কেউ পরিস্থিতিতে পুলিশ হেফাজতরে দীনেশকর মৃত্যু হল তার উপযুক্ত তদন্ত করে জোড়া থানা আধিকারীঙ্ক বিরোধে হত্যা মামলা রুজু করা সহ দীনেশ তাঙ্ক পরিবারর একমাত্র রোজগারিয়া পুয় হয়েথিবারু তাঙ্ক পরিবারকু 1 কোটি টঙ্কার ক্ষতিপূরণ দেওয়া পাই দাবি করেছেন বিজেপি প্রতিনিধি দল। জাতীয় মানবাধিকার আয়োগঙ্ক নির্দেশাবলী অনুসারে জনে এসডিপিও এর তদন্ত করছেন এবং সম্পূর্ণ তদন্ত রিপোর্ট এনএচআরসিঙ্কু প্রদান করা যাবে বলে এসপি কইছেন। কেন্দুঝর জেলা জোড়া বসষ্টাণ্ড স্থিত রাজ ফ্যাশন শোরুমে জিএসটি রেড। বরবিল সিটি অ্যান্ড জিএসটি এনফোর্সমেন্ট ইউনিট পক্ষ এই রেড করা যাইছে। চড়াউরে ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রক যাঞ্চ করেছে টি। বরবিল সিটি এবং জিএসটি এনফোর্সমেন্টর 5 জনিয়া সদস্য জোড়া বসষ্টাণ্ড নিকট রাজ ফ্যাশন শোরুমে চড়াউ করেছে। প্রায় 3 ঘণ্টার অধিক সময় ধরে এই চড়াউ জারি রয়েছে বেড়ে শোরুমর বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাগজপত্র জিএসটি টিম যাঞ্চ করেছে জানা পড়েছে। নির্বাচন মণ্ডলে ভালো প্রদর্শন করিপারিব বলি সেই বিজেপি নেতা এবং কর্মীমানকু গুরুমন্ত্র দেইথিলে প্রদীপ। দিন রাতি এক করি তৃণমূল স্তরকু সমস্ত কর্মীঙ্কু যিবা পাই আহ্বান দেইথিলে প্রদীপ। বিজেডির বিকল্প হচ্ছে বিজেপি। বিজেপি প্রতি লোকঙ্ক নিজ আড়ু ইচ্ছা সামনাকু আসিলাণি। তেণু কর্মীমানে যদি একত্রিত হয়ে কাম করবে তবে গঞ্জাম জেলার বিজেপির বৃহৎ বিজয় সুনিশ্চিত বলে কর্মীমানকু কহিথিলে প্রদীপ। বিজেডি ইজ নো মোর বলে কহিছেন গোপালপুর বিধায়ক। গোপালপুর নির্বাচন মণ্ডলে 60,000 অধিক ভোট ব্যবধানে বিজেপি বিজয় লাভ করবে এবং গোপালপুর প্রদীপকু সবুঠার অধিক ভোট মিলিব বলে কহিছেন পূর্বতন জেলা বিজেপি সভাপতি বিভূতি জেনা।
घटगामा तारिणी प्रसिद्ध चैती पर्व द्वितीय प्रस्तुति बैठक अनुषित केन्दुझर जिलार अधिष्ठात्री देवी मां तारिणी 88तम चैती पर्व पालन द्वितीय प्रस्तुति बैठक अनुषित।